नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात ग्वालियर की, जहां पर बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह जीत का मंत्र दे रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए मंत्र दिया है अमित शाह ने। बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया, मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी किया है। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी ने नए नारे दिए, सबसे अच्छी सरकार मेरी सरकार, भाजपा सरकार अपनी सरकार, सबसे अच्छी सरकार। तो ये नारा बीजेपी द्वारा दिया गया है, अमित शाह ने ये नारा दिया है। बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अमित शाह पहुंचे हैं, जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें जीत का मंत्र दिया गया। महामंथन लगातार जारी है। बीजेपी कार्य समिति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो है मंत्र दिया गया, जीत का मंत्र अमित शाह द्वारा दिया गया है। महामंथन लगातार जारी है। बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, जीत का मंत्र दिया गया, साथ ही साथ नए नारे की भी शुरुआत जो है इनके द्वारा की गई है। ग्वालियर में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया, मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दिया ही है, साथ ही साथ जो है मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का आगाज भी किया गया है। ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने जो कार्यकर्ता है उनको जीत का मंत्र दिया, क्या कुछ प्रमुख बातें रही हैं ये बात हम करेंगे। हमारे साथ जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। अगर बात करें युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी, क्या जीत का मंत्र मिला है खासकर युवाओं को लेकर, क्या लक्ष्य दिया है? आदरणीय अमित शाह जी ने आज की वृहद कार्य समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के युवाओं को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों के ऊपर एक बड़ा विश्वास जताया है और बड़ी जिम्मेदारी दी है। आगामी समय में हम सदस्यता अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच में पुनः रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का, कि हमने इन 20 सालों में किस प्रकार से विकास किया और मध्य प्रदेश को कितना आगे बढ़ाया। ये सारी बात युवा मोर्चा युवाओं के बीच लेकर जाएगा और जो इस बार पहली बार मतदान करने वाले लोग हैं उनको यदि सबसे अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर कोई काम करेगा तो वो युवा मोर्चा के साथी करेंगे। इस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी ने आज अपने भाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ये भारतीय जनता पार्टी वो मात्र दल है जिसमें हम एक साथ चार पीढ़ियों के साथ बैठे हैं और आगामी समय में नेतृत्व करने वाला युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी इस बैठक में बैठे हैं। लेकिन एक प्रकार से ये जरूर कही कि अगर किसी में कोई मनमुटाव है तो भूल जाइए, कमल निशान याद रखिए, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कमल ही कमल नजर आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो यदि पार्टी एक जुटता के साथ एक रूपता के साथ काम करेगी, जब भी हम 150 पार जो आज आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये बात कही है कि हम 150 से अधिक सीटें जीतने में सफल होंगे तो उसमें पार्टी को एक साथ एकजुट होकर और एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता, और ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि हमारा अंतिम सत्य भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान है और हमारा प्रत्याशी भी वो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्राण प्राण के साथ हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जुटाने में लगेगा। तो देखिए, जो तमाम जो पदाधिकारी हैं जो एक एक करके निकल रहे हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की जो बात है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि आपसी मनमुटाव है उसको भूल जाइए, आपको कमल निशान के लिए काम करना है। मंत्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह का ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा, इसमें कोई दो बात नहीं। जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र, हर जिले के प्रमुख नेता यहाँ उपस्थित रहे, सबका ने एकजुट होकर एक संकल्प लिया, सब चीजों को छोड़कर केवल चुनाव जीतना, और चुनाव जीतकर पुनः मध्य प्रदेश और देश में
पुनः मोदी जी की सरकार बनाना। तो देखिए बिल्कुल, पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, पुनः प्रदेश में सरकार बनाना, ये लक्ष्य जो है वो दिया गया है। कुछ देखिए एक एक करके सारे कार्यकर्ता जो निकल रहे हैं उनसे बात करने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का जीत का मंत्र उनको दिया गया है। और अब हम हमारे साथ देखिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी मौजूद है। भाई साहब, एक बड़ी बैठक हुई, किस तरह का मंत्र दिया गया, क्योंकि मिशन 2023 और 2024 दोनों को फतह करना है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हमेशा तैयार रहते हैं, और आज माननीय अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं में और उत्साह भर दिया है और पूरा लक्ष्य दिया है 150 सीटों से ज़्यादा जीतेंगे और 2024 में 28 के 28 सीटें जीतेंगे। तो देखिए, जो इंदौर सांसद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबको ये लक्ष्य दिया गया है कि न केवल 150 पार की सीटें जीतनी हैं, बल्कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं 2024 में उन पर भी फोकस है। जैसा कि मैं बार बार आपको जिक्र किया था कि केंद्रीय नेतृत्व तो मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस किए, तो न केवल 2023 पर नजर है बल्कि 24 पर भी नजर है। अगर देखिए, अगर 2019 के चुनाव की बात करते हैं हम, तो 29 में से जो 28 सीटें जो है वो यहाँ बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो बाकी जो एक सीट है जिस पर कांग्रेस का कब्जा है, उसको कैसे वापस पाया जाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मोदी आज गृह मंत्री जी ने किस तरह का लक्ष्य दिया है और किस तरीके से काम आप करने वाले हैं? अमित शाह जी ने किस तरह का मंत्र दिया है, क्या लक्ष्य, किसको लेकर आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? नहीं, ये बात तो मैंने बैठक के पहले ही कही थी कि अमित भाई का मार्गदर्शन सदैव उत्साह और उमंग और आत्मविश्वास पैदा करता है, और वो आपको बैठक के बाद दिख रहा होगा। तो कितने का ना, 150 के 200 पर प्रचंड बहुमत जी। लोकसभा पर भी नजर 100%, मतलब 100 एक बची है वो भी जीतेंगे जी। तो ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रचंड बहुमत जो है वो लक्ष्य रखा है कि अधिक से अधिक सीटें जीतना है, प्रचंड बहुमत के साथ आना है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि 28 सीटें तो अभी बीजेपी के पास हैं, अब जो एक सीट रह जाती है छिंदवाड़ा, उसको भी जीतना है। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के बाद किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, और न केवल आम कार्यकर्ता बल्कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो टीम मोदी का हिस्सा है, वो सारे लोग भी देखिए पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है उनके एक एक करके निकलने का सिलसिला जो लगातार जारी है। अब देखिए जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। कैलाश विजयवर्गीय जी जो है वो बाहर आए हुए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का लक्ष्य जो है मिला है और क्या ऊर्जा, किस तरीके से उनकी ऊर्जा का संचार उनके अंदर रहेगा, देखिए बात करने की हम कोशिश करेंगे। भाई साहब, मेरे को एक ने तुम्हारा भेजा, केंद्रीय मंत्री जी जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का दौरा रहा, किस तरह हमने सुविधा दे दी आप? तो देखिए वो जो कई पदाधिकारी हैं जो जी जी, मैं आयोजित थी प्रदेश कार्य समिति में, राजनीति के चाणक कहे जाने वाले अमित शाह ने आज जीत के मंत्र दिए हैं, क्या कुछ बात हुई है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद पूर्व सर, क्या कुछ बात हुई, क्या जीत, किस तरीके से जीत के मंत्र आज? अमित जी ने कार्यकर्ता में आत्मविश्वास कोट कोट कर भर दिया है और असंदिग्ध विजय के लिए निकल पड़े। ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है और कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो अपनी उपलब्धियां बताए भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। तो आज कुल मिलाकर पूरे प्रदेश का वातावरण बदलने की शुरुआत हुई है, जिसमें हम अपार ऊर्जा से मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग, पूर्व अध्यक्ष प्रभात जी भी हमारे साथ मौजूद। भाई साहब, एक बड़ी बैठक हुई, क्या कुछ जीत का मंत्र रहा आप लोगों के, किस तरह से अनुभव साझा किए गए? एक ही मंत्र रहा कि 150 से ज्यादा सीटें जीतना है। कार्यकर्ताओं को किससे उत्साह? उत्साह अमित शाह जी को देख के ही आ जाता है। देखिए, ये प्रभात झा जी पूर्व है प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो अमित शाह जी को देखकर भर जाता है। मंत्री जी हमारे साथ, मंत्री जी आज अमित शाह जी ने चुनाव की रणनीति को लेकर बात की आप लोगों से, कैसा रहा पूरा दिन? देखिए, माननीय अमित शाह जी का बहुत साफ कहना है कि चुनाव देश और प्रदेश दोनों के लिए भविष्य का विश्व गुरु बनने का चुनाव है। चुनाव विकास की गति में कोई रुकावट न आए, नई योजनाओं को पूर्ण करने का चुनाव है, ये सब बातों का चुनाव है। पुनः हम कैसे विश्व गुरु बने, इसलिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। दिन भर बैठक चली है। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी को साझा करने के लिए।